जी बोलो। कोई नहीं, एक प्रश्न आया है कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने महलों में रहकर के जीवन बिताया, और सीता जंगल में राम के साथ गई। वनों में रह करके जीवन बिताया। शास्त्रों में ज्यादा गायन उर्मिला का है, परंतु पूजन सीता का है, ऐसा क्यों? सुख सुविधाएं महलों में मिल सकती हैं या जंगल में मिल सकती हैं? है, महलों में सुख सुविधाएं जास्ती मिलेंगी, और साथ ही साथ जब सुख सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी तो देहधारी की याद ज्यादा आएगी या कम आएगी? है, कम आएगी। महलों में सुख सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, खान पान अच्छा मिलेगा, मकान अच्छा मिलेगा, अच्छे अच्छे साड़ियां कपड़े आदि मिलेंगे, भव्य वस्त्र पहनने को मिलेंगे, तो देहधारी की याद ज्यादा आएगी या कम आएगी? देहभान ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा। जब देहभान ज्यादा आएगा तो चलो तन से तो उपभोग करने को नहीं मिला, क्योंकि पति तो जंगल में है, लेकिन मन से भोग होगा या नहीं होगा? मन से भोग वासना चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी? है, मानसिक जो देहभान का मानसिक सुख है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे, वियोगी याद आएगी कि नहीं आएगी? अरे ना, हाँ ना, ना वियोगी याद तो आएगी, देहधारी की याद आएगी ना, तो कहेंगे कि मनसा से पवित्र नहीं हुआ, और पूजा किस आधार पर होती है? प्योरिटी के आधार पर। तो मनसा से पवित्रता तो नहीं हुई, मनसा से पवित्रता का पालन न होने के कारण उर्मिला का पूजन नहीं होता है, लेकिन गायन जास्ती होता है। गायन का काम किया, क्या किया गायन का काम? कि बात मानी। किसकी बात मानी? पति की भी बात मानी, बड़ी बहनों की भी बात मानी, जो परिवार में जितने भी हैं बड़े उन सबको राजी किया। सीता ने क्या किया? न माता की बात मानी, न पति की बात मानी, न ससुर की बात मानी, और आखिरी इन पंचवटी में जाकर के श्रीमत की लीका का क्या किया? उल्लंघन कर दिया। इसलिए गायन के हिसाब से उर्मिला ग्रंथों में आगे गाई हुई है, पूजन के हिसाब से आगे नहीं है। और Thank you.
जो आदि, नियम क्या है, जो आदि सो अंत। एडवांस पार्टी जब शुरू होती है तो एडवांस पार्टी की शुरुआत में ब्रह्मा के चार मानस पुत्र हैं, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनमें जो बड़ा पुत्र है, जो ज्ञानी के आधार पर बड़ा माना जाता है, वो है सनत कुमार। और जो सनत कुमार है उसके सबसे जास्ती नजदीक रह करके पुरुषार्थ करने वाला कौन है? है? अरे सनत कुमार माने राम की आत्मा। राम की आत्मा जो त्रेता युग में बड़ा राजा कही जाती है, उसके सबसे नजदीक रहने वाली आत्मा कौन सी है द्वापर में? हैं? शत्रुघ्न है, भरत। हाँ, छोटा भाई राम से जो छोटा भाई है वो ही भरत है। तो बड़े भाई को लकब मिल गया देवताओं के गुरु बनने का, बृहस्पति का, और छोटे भाई को लकब मिलता है शुक्राचार्य, असुरों के गुरु का। तो जो शुक्र है तारा, वो शुक्राचार्य की यादगार है। जब षष्ठी का आरंभ होता है तो देव और दानव दोनों साथ साथ ही जन्म लेने वाले और साथ साथ खेलने वाले होते हैं, या शुरुआत से ही अलग हो जाते हैं? हैं? शुरुआत में तो एक ही होते हैं, नजदीक ही होते हैं। तो सृष्टि के आदि काल में सन 76 में चारों जैसे इकट्ठे थे, चारों ही धर्म की चार बीज रूप आत्माएं, उनमें भी देवता धर्म और आसुरी धर्म दोनों के मुखिया साथ साथ थे। तो जैसे सृष्टि के आदि में साथ साथ होते हैं, जब सृष्टि का अंत होता है तो भी साथ साथ होते हैं। सूर्य उदय में भी शुक्राचार्य साथ होता है और अंत में भी साथ होता है। बाकी कभी बीच में दो पैर को शुक्र जो है सूर्य के साथ देखने में आ जाए, ऐसा कभी नहीं देखने में आता है। और शिशुपाल के 100 अपराध पूरे हुए और उसके बाद अगला अपराध हुआ और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार दिया, तो वेद में शिशुपाल का पार्ट किसका है? शिशु किसको कहा जाता है? हैं? बच्चा बुद्धि को शिशु कहा जाता है। पाल किसको कहा जाता है? पालने वाले को पाल कहा जाता है। ज्ञान में चलने वाले ऐसे बहुत से होते हैं जो ऊपर ऊपर का ज्ञान उठाते हैं, ऊपर ऊपर से बेसिकली बाप को पहचानते हैं, गहराई से बाप को नहीं पहचानते। वो शिशु बुद्धि हैं, बच्चा बुद्धि है। ऐसे बच्चा बुद्धियों को शिशुपाल अपने कब्जे में ले लेता है। माना जितनी भी ये जो नई नई पार्टियां निकलती हैं एडवांस में विष्णुवादी पार्टियों के नाम से,
वो पार्टियों को, उनके भांतियों को पालने वाले नंबर बार क्या हुए? शिशुपाल हो गए। तो वो शिशुपाल ज्ञान तो है नहीं उनमें, कि ज्ञान है? हैं? ज्ञान होता तो स्वयं भी बाप को पहचानते, और जो बच्चा बुद्धि है उनको भी बाप की पहचान देते। तो ज्ञान तो है नहीं, अज्ञान है, तो अज्ञान ही दूसरों को पढ़ाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। एक होता है ज्ञान, और उस मुकाबले दूसरी बात होती है अपोजिट में, ज्ञान के अपोजिट में क्या होता है? अज्ञान। अज्ञान जिसके मुख में होगा तो ग्लानी सुनाएगा या गायन करेगा? ज्ञानी तो आत्मा होगी तो गायन करेगी, भगवान का गायन करेगी, भगवान के बच्चों का गायन करेगी। और अज्ञानी आत्मा होगी तो भगवान की ग्लानी करेगी। ग्लानी करना माने गालियां देना। और बाबा ने मुरली में बोला है, जो बच्चे मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनके ऊपर कितना गुना बोझा चढ़ता है? 100 गुना बोझा चढ़ जाता है। एक बार गाली दी, एक बार ग्लानी की, माना 100 गुना गाली का बोझ चढ़ गया। तो वो भगवान तो रहमदिल है, रहमदिल बार बार रहम करके छोड़ता है, वो गालियों का टाइम भी पूरा हो जाता है। सृष्टि के आदि काल में जो ब्रह्मा के 4 पुत्र पैदा हुए, उन 4 पुत्रों में एक है सबसे छोटा, उसको कहते हैं शत्रुघ्न। 4 कुमार है ना, सनत, सनंदन, सनत, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो जो पहले का नाम दिया जाता है सनक, और सन की मिजाज का ही है, न खुद बाप को पहचानने की चेष्टा करता है, और जो थोड़े बहुत तो पहचानने वाले हैं उनको भी भ्रमित कर देता है। खुद भी शिशु बुद्धि है, बच्चा बुद्धि है। बड़े भाइयों को क्या कहा जाता है? बाप समान। और छोटे को? छोटे को बच्चा बुद्धि कहेंगे। तो खुद भी बच्चा बुद्धि है, वो बच्चा बुद्धि होने के कारण वो ही शिशुपाल है। और कोई ने चाणक्य सीरियल देखा है तो प्रश्न किया कि चाणक्य में आमात्य राक्षस को विष्णुगुप्त ने, अर्थात चाणक्य ने, अंतिम सीन में आमात्य राक्षस को ही चंद्रगुप्त का आमात्य घोषित कर दिया। ये तो नंदवंश का आमात्य था, शत्रु था, ऐसा क्यों किया? इसका बेहद में अर्थ क्या है? हाथ
चाहे दायां हो चाहे बायां हो, कोई भी हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी होती हैं क्या? धर्म चाहे कोई भी हो, राइटियस हो या लेफ्टिस्ट हो, या छोटा धर्म हो या बड़ा धर्म हो, कोई भी धर्म ऐसा है जिस धर्म में सब बुरे ही बुरे हो, अच्छा कोई हो ही नहीं? या कोई धर्म ऐसा है जिसमें सब अच्छे ही अच्छे हो और अंत तक कोई बुरे हो ही नहीं? अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। आमात्य राक्षस चाणक्य के विरोधी स्वभाव संस्कार वाले नंदवंश का आमात्य था। लेकिन वंश के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा थी, अच्छा वफादार था, साकार के प्रति वफादारी खराब बात है या अच्छी बात है? अच्छी बात है। जो अपने राजा के प्रति जीवन में वफादार रहेगा वो जहां कहीं भी जाएगा उसके वफादारी के संस्कार रहेंगे, तो उसकी वफादारी को देख करके ही चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त ने उसे चंद्रगुप्त का महाआमात्य नियुक्त कर दिया था। सीता रावण की बेटी है? सीता राम की बेटी नहीं है, सीता रावण की बेटी है। इस प्रश्न का समाधान पहले भी हो चुका है, राम ही रावण बनता है। क्या? राम ही रावण बनता, राम ही रावण है नहीं, क्या है? राम ही रावण बन जाता है। जब तामसी दुनिया बनती है तो उस तामसी दुनिया को पढ़ाई पढ़ाने के लिए तामसी चाहिए या सात्विक चाहिए? लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। तामसी दुनिया को मात देने के लिए तामसी व्यक्तित्व ही चाहिए, और छोटा मोटा तामसी नहीं चाहिए, बड़ा तामसी चाहिए। तो रावण की बेटी कही जाती है सीता। सीता कोई दूसरी नहीं है, सीता अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी से ही पैदा होती है और पृथ्वी में ही समा जाती है। ब्रह्मा सरस्वती जगदम्बा और वैष्णवी, इन चारों आत्माओं के स्वभाव संस्कार एक हो गए हैं, ये हम बच्चों को पता कैसे पड़ेगा? इस बात की परख क्या है? चारों के स्वभाव संस्कार जब एक हो जाएंगे तो स्वर्ग स्थापन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। स्थापना के बाद पुरानी दुनिया का विनाश शुरू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो स्थापना जिस ग्रुप में होगी वहां जय जयकार के नजारे सुनने में आवेंगे,
और विनाश जहाँ होगा वहाँ हाहाकार सुनाई देगी। हाहाकार का बड़ा ग्रुप होगा या जय जयकार करने वालों का बड़ा ग्रुप होगा? हाहाकार करने वालों का बड़ा ग्रुप होगा। तो पता नहीं चलेगा बच्चों को कि चारों आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो गए। एडवांस नॉलेज का भक्ति के बाद दिया हुआ होगा, मुर्गी पॉइंट है। हाँ जी, शिव बाबा का दिव्य जन्म अर्थात दिव्य प्रवेश होता है। जन्म को प्रवेश नहीं कहते हैं, लेकिन प्रवेशता टाइम टू टाइम प्रखर होती जाती है। जैसे सूर्य उदय होता है तो 5:30 बजे भी उदय होता है, आधी लाल लाल चिट्ठी दिखाई पड़ती है, फिर पूरा थाल भी उदय हो जाता है सूर्य, वो भी उदय का टाइम है। फिर उदय होते होते सूर्य ऊपर चढ़ जाता है तो कुछ अंतर दिखाई पड़ता है कि नहीं है? अंतर देखने में आता है। ऐसे ही आत्मा जब गर्भ में प्रवेश नहीं करती है, सिर्फ उसका पिंड तैयार होता है, तो पिंड को कहें कि पेट में जन्म लिया बच्चे ने, हैं? कहेंगे नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में नहीं लिया। ऐसे ही फिर आत्मा ने उस पिंड में प्रवेश कर लिया 4-5 महीने के बाद, तो कहें कि जन्म हुआ या नहीं हुआ? हैं? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? माँ को तो अनुभव होने लगता है कि बच्चा गर्भ में आ गया, पेट में हरकत हो रही है। जिसको अनुभव होता है वो मानेगी कि बच्चा नहीं आ गया है? वो तो मानेगी। फिर बच्चा बाहर आता है और जो देखे, जो उस बच्चे की वहां वहां सुने, वो कहने के लिए मजबूर होता है कि बच्चा जन्म ले गया। माना कोई भी ये नहीं कहेगा देखने और सुनने वाला कि बच्चे ने जन्म नहीं लिया। ऐसे ही बाबा कहते हैं। अब वो टाइम आने वाला है प्रत्यक्षता का, जिसमें जो देखेगा जो सुनेगा उसके मुंह से निकलेगा मेरा बाप आ गया, तो ये अंतर पड़ जाता है। बाबा, मैं ये सर्विस कर रहा था दुर्गा दादी के तन में, ब्रह्मा बाबा आते हैं, शिव नहीं आते है। नहीं, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि शिव बाबा नहीं आते। शिव बाबा नहीं आते? हाँ, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, तो गुलजार, आप क्या समझते हैं, गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आते हैं? नहीं नहीं, वो बात नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ कि शिव परमात्मा आते हैं गुलजार में। नहीं नहीं नहीं, वो किसी तन में आते हैं है? किसी ही तन में जब शिव परमात्मा आते हैं उसको ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, शिव बाबा कहा जाता है, साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। तो ब्रह्मा के तन में जब शिव प्रवेश करते थे तो शिव बाबा था या नहीं था? शिव बाबा है। शिव बाबा, शिव बाबा था। अच्छा, शिव बाबा था या शिव बाबा ने अम्मा का प्ले रोल प्ले किया? और हमने गलती से उसको बाबा समझ लिया। जैसे छोटा बच्चा होता है तो अम्मा को ही अम्मा समझता है, अम्मा को ही माई बाप समझता है। ऐसे ही क्या अम्मा के द्वारा बच्चे को वर्षा मिलता भी है?
कि सिर्फ समझ लेता है कि ये मेरा बाप है। तो ऐसे ही मैं जिस तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा तो देता हूं, प्रजापिता ब्रह्मा नहीं देता हूं। जिस तन में भी आऊंगा उसका नाम सिर्फ ब्रह्मा दूंगा, लेकिन हर तन में जिसमें प्रवेश करूं उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा नहीं दूंगा। ये अंतर पड़ता है। हाँ बोलो। शिव बाबा साकार और निराकार कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को शिव, शिव माने निराकार और बाबा माने साकार। शिव बाबा की प्रवेशता कैसी होती है? शिव बाबा जो है उसकी प्रवेशता तो तब कही जाएगी जबकि वो संपन्न स्टेज प्राप्त करे बाबा। शिव जब किसी साकार तन में प्रवेश करे और वो साकार तन संपन्न स्टेज प्राप्त करे, शिव समान, शिव शंकर मिलकर के एक हो जाए प्रैक्टिकल जीवन में, तब कहा जाएगा शिव बाबा। फिर वो बच्चों में प्रवेश भी करेगा, क्योंकि वो अनेक बच्चों में प्रवेश नहीं करता, वो सर्वव्यापी नहीं है। कौन? शिव एक व्यापी है, एक व्यापी होकर के सृष्टि पर आता है। बाकी शिव बाबा जो कहा जाता है वो बच्चों में प्रवेश करके और पार्ट बजाता है, नहीं तो सर्वव्यापी हो जाए। सर्वव्यापी में और एक व्यापी में अंतर क्या है? क्या अंतर है? एक व्यापी सिर्फ एक में ही प्रवेश करता है, आदि में भी एक ही था और अंत में भी एक ही रहता है। बीच में जितने भी ब्रह्मा के रूप हैं, ब्रह्मा अनेक हैं, वो ब्रह्मा ब्रह्मा तब साबित होते हैं जब उनमें शिव बाबा प्रवेश करता है, तब ब्रह्मा कहा जाता है। और आज की मूर्ति में पॉइंट आया है, ये मूर्ति झाड़ में तिथि है परंतु तारीख है, तारीख नहीं है। ये मूर्ति झाड़ में तिथि है परंतु तारीख नहीं है। तारीख नहीं, तिथि तारीख है ना, इब्राहिम की तिथि तारीख दी हुई है, महात्मा बुद्ध की तिथि तारीख दी हुई है, क्राइस्ट की तिथि तारीख दी हुई है 2000 साल पहले आया, लक्ष्मी नारायण की तिथि तारीख दी हुई है, संबत एक 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 नहीं दिए। और हाँ जी, अरे पूरी बात तो लिखा करो। अव्यक्तवाणी 31/3/10 के तारीख में बोला गया है 10 साल 20 साल 30 साल, इसका बेहद में अर्थ क्या है? दो हजार अठारह के आसपास हुआ 10, 2028 के आसपास हुआ 20, 2037-38 के आसपास हुआ 30, तो बेहद का अर्थ समझ नहीं आया? 40 क्यों नहीं कह दिया? इसलिए नहीं कह दिया कि 40 का कोई कनेक्शन ही नहीं आता है। और तुलसी का गायन है, तुलसी की लकड़ी की माला श्री कृष्ण बड़े प्यार से गले में पहनते थे, कृष्ण वृंदावन तुलसी पास ही हमेशा, कृष्ण वृंदावन में तुलसी के पास ही हमेशा निवास करता है, क्योंकि तुलसी ही अगले जन्म की, अगले जन्म में राक्षस की पत्नी
थी। उस राक्षस को कृष्ण ने छल से मारा, जिस कर्म में विश्व कल्याण समाया हुआ हो ऐसी बात में थोड़ा झूठ भी बोला तो पाप नहीं होता है। तुलसी का पति सारे साधु संतों को बिना कारण ही मार पीट रहा था, इसलिए कृष्ण ने उसे मार डाला। तो बेहद में तुलसी कौन? अरे तुलसी का विवेचन तो वाणी में कई बार आ चुका है, काली तुलसी, सफेद हरी तुलसी, तुलसी का पत्ता जब तक भोग में ना डाला जाए भगवान का भोग नहीं माना जाता, तुलसी आंगन में लगाई जाती है, बेडरूम में उसकी पधरामणी नहीं की जाती है, इन सब बातों का अर्थ नहीं बताया क्या? तुलसी को भी महारानी कहा जाता है और लक्ष्मी को भी महारानी कहा जाता है। तुलसी की भी पूजा होती है और लक्ष्मी की भी पूजा होती है। तो तुलसी की पहचान नहीं हुई अभी तक? तुलसी माता में और लक्ष्मी माता में दोनों के पार्ट में बड़ी कौन है और छोटी कौन मानी जाती है? हैं? हैं? नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी और तुलसी के बीच में, दोनों माताओं के बीच में बड़ी माता कौन मानी जाती है और छोटी माता कौन मानी जाती है? हैं? लक्ष्मी बड़ी मानी जाती है। हैं? परिवार है, परिवार में बहू बेडरूम में बैठती है और सास कहाँ बैठती है? बाहर बैठती है। हमेशा ऐसे ही होता है? ऐसे तो नहीं होता है कि सास बेडरूम में बैठी रहे और बहू बाहर बैठे? तो मिसाल भी दिया हुआ है, तुलसी को बाहर बैठाया जाता है और लक्ष्मी को अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि सास बहू का खेल हो गया क्या? ये सास बहू की लड़ाई आज तक भी चित्रकार दिखा रहे हैं सिनेमा में, टीवी में, संगम युग से ये सब बातों का फाउंडेशन पड़ता है। तुलसी और कोई नहीं है, बड़ी माँ का ही नाम दूसरा तुलसी है और छोटी माँ का नाम है लक्ष्मी है। संघ का रंग कब कब खराब हो जाता है तो राक्षस संप्रदाय के कनेक्शन में आ जाते हैं। राक्षस संप्रदाय के कनेक्शन में आने से दुख भोगना पड़ता है, फिर भी गायन है। राक्षस के साथ जब लेखाचार बना तो तुलसी का नाम उस जन्म में क्या पड़ा? वृंदा। क्या? हाँ, विष्णु की। हाँ, तो जो वृंदा है बहुत पतिव्रता थी, वहां भी दुख का टाइम जब आता है तब समझ में आता है पवित्रता का बड़ा महत्व क्या होता है। उसकी पवित्रता के बल पर और राक्षस जालंधर तभी हार नहीं खाता था
भगवान भी उसे लड़ाई युद्ध में हारा नहीं पाते थे। ऐसी तीक्ष्ण भक्ति थी, तीक्ष्ण पतिव्रत धर्म था। उसके लिए शास्त्रों में दिखाया है, उसे पतिव्रत धर्म को डिगाने के लिए भगवान ने फिर वो बहुरूपी रूप धारण किया और उनको हिला दिया। बाबा मुरली में बोला है कि नेक्स्ट टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड नारायण, नेक्स्ट टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड नारायण, नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड नारायण, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण। एक ही आत्मा को कहते हैं, मगर जब अपन समझाते तो नारायण यानी कृष्ण का पार्ट उनको कैसे समझाते? नारायण का बचपन का नाम क्या है? तो एक ही तो हो गया। जिस बच्चे का नाम बचपन में कृष्ण है और बड़ा हो गया तो उसका नाम नारायण पड़ गया, तो ये कहेंगे ये दोनों अलग अलग हैं। संगम की बात ना बाबा, संगम की ही तो बात है और कहाँ की बात है। ये चारों नाम जो हैं वो संगम युग के हैं या किसी दूसरे युग के हैं? पुरानी दुनिया में प्रजापिता या नई दुनिया में प्रजापिता? पुरानी दुनिया में प्रजापिता, और गॉडफादर भी पुरानी दुनिया में मान्यता प्राप्त है या नहीं है? पुरानी दुनिया में भी गॉडफादर की मान्यता तो है ही, तो गॉडफादर और प्रजापिता दोनों के बीच में बड़ा कौन और छोटा कौन है? जल्दी जल्दी बताओ। गॉडफादर बड़ा या प्रजापिता बड़ा? गॉडफादर बड़ा। तो नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता को कहेंगे या नहीं? लेकिन ये पुरानी दुनिया की बात हुई, नई दुनिया में कहेंगे कृष्ण नेक्स्ट टू गॉड, नारायण नेक्स्ट टू गॉड, वो तो दोनों एक ही तो हैं। कृष्ण भी 16 कला संपूर्ण, नारायण भी 16 कला संपूर्ण, बनाने वाला गॉडफादर। तो गॉडफादर बड़ा है, बनाने वाला, और जो बने कृष्ण और नारायण वो छोटे। इसलिए नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड नारायण। ऐसे ही न पुरानी दुनिया में न नई दुनिया में। शंकर कहाँ का है? संगम युग का। सूक्ष्म बतनवासी दिखाते हैं, उनको भी कह दिया नेक्स्ट टू गॉड, क्योंकि शंकर नाम पहले या शिव नाम पहले? शिव नाम पहले देते हैं, शंकर नाम बाद दे देते हैं। ऐसे तो कभी नहीं कहा कि शंकर शिव, क्या कहते हैं? शिव शंकर। तो शिव है गॉडफादर, शंकर है बड़े में बड़ा देवता, शिव बाबा का बड़े से बड़ा बच्चा, तो नेक्स्ट टू गॉड वो भी हो गया शंकर। तो विरोधाभास कहां आता है? टाइम और स्थान का अंतर पड़ता है, बाकी आत्मा ही तो वो ही है। और ओ शांति।